हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके बालों में भी डैंड्रफ है? हेयर बहुत ज्यादा डल है, ड्राई है, बहुत ज्यादा फ्रीजी हेयर है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ट्रीटमेंट जो कि केराटिन ट्रीटमेंट को, स्मूथनिंग को, स्ट्रेटनिंग को, ऐसी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को मात देते हुए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट्स आपको रिजल्ट देती है टेम्परेरी। आपको ये टाइम टू टाइम करवाना पड़ता है, क्योंकि उस ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपके जो नेचुरल शाइन है, नेचुरल स्मूथनिंग है, वो निकल जाती है। उनको एक्सटर्नली क्रीम्स वगैरह अप्लाई करके वो स्मूथनिंग देनी पड़ती है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल भी बहुत ज्यादा ड्राई, डल, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता था, स्पेशली विंटर्स में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम मैं फेस करती थी। तो ये प्रॉब्लम आपको अगर हो रही है तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं लिशा, मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ हाउ डू आई ट्रीट माय हेयर इन विंटर स्पेशली टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ, फ्रिजी हेयर, ड्राई हेयर, डल हेयर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक ही ये सॉल्यूशन है। मैं वीकली वंस ये ट्राई करती हूँ। अगर आपको भी रिजल्ट्स चाहिए तो आप वीकली वंस ट्राई जरूर करना, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एक्सपीरियंस करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए कितना इफेक्टिव रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं ये ट्रीटमेंट। तो सबसे फर्स्टली इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। ऑलिव ऑयल यूज करने वाली हूँ मैं इसमें, और नेक्स्टली कोकोनट ऑयल ले लूंगी मैं, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्टली विटामिन ई की कैप्सूल्स लूंगी मैं, अपने बाल लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे, और एलोवेरा नेचुरल जो लीव्स है वो यूज करने वाली हूँ। आप रेडी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको नेचुरल किस तरीके से यूज किया जाता है प्रॉपरली, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप चेक जरूर करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी। और ये एक ग्लास बाउल ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह मैंने एलोवेरा का जेल निकाल लिया है। इसका ट्रीटमेंट आप ज़रूर चेक कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, क्योंकि इसको अगर सही तरीके से आप यूज़ नहीं करेंगे तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, तो वो वीडियो आप चेक ज़रूर कर लेना। अब ये मैं विटामिन ई की कैप्सूल को इस तरीके से विथ अ सेफ्टी पिन या कोई भी आप पिन से इस तरीके से उसको होल्ड करके फिर उसका पूरा जो ऑयल है वो इस तरीके से स्क्वीज कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं दो मैंने कैप्सूल्स लिए हैं, मेरे बाल के लेंथ के अकॉर्डिंग आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कैप्सूल्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं यूज करूंगी, नेक्स्ट कैप्सूल भी डाल दूंगी इसी तरीके से स्क्वीज करके। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जितना भी ऑयल है अच्छे से हम स्क्वीज कर लेंगे। सो एलोवेरा जेल के अंदर मैंने डाल लिया विटामिन ई की कैप्सूल। अब इसके अंदर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करूंगी, आप वो भी आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे। मेरे बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे टू टू थ्री स्पून्स इनफ है, तो मैं टू टू थ्री स्पून्स इसमें मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं नेक्स्टली लास्टली मैं डाल लूँगी ऑलिव ऑयल, सॉरी। तो इसका आप कोई भी कंपनी का, मैं फिगारो का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं 1 टीस्पून ले लूँगी। तो इस मिक्सचर को अच्छे से हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और देन इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए मिक्सचर रेडी है। तरीके से आप सबसे फर्स्टली अपने बालों को अच्छे से वॉश करके डिटैंगल कर लीजिए। डिटैंगल किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक जरूर कर लेना। इस तरीके से पार्टीशन करके हम हमारे बालों में इस ये जो हेयर रेमेडी हमने बनाई है इसको अच्छे से पूरे बालों में लगाते जाएंगे। स्पेशली स्कैल्प में हम बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि डैंड्रफ की या ग्रे हेयर की प्रॉब्लम्स हमें वहाँ से ही शुरू होती है, तो इसीलिए हमें स्कैल्प में बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। तो इस तरीके से पार्टीशन करके पूरे बालों में अप्लाई कर लूंगी ये हेयर ऑयल। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए मसाज दूंगी पूरे बालों को बहुत अच्छे से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारे जो रूट्स में या हमारे स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो। तो इस तरीके से ये पूरा ऑयल अंदर चला जाए। तो इस तरीके से मैं 5 to 10 मिनट्स अपने बालों को अच्छे से मसाज दूंगी। सो इस तरीके से आफ्टर मसाज मैं अपने बालों को टाई कर लूँगी और रफली एक बन बना के, और उसके ऊपर मैं ये शावर कैप पहन लूँगी, ताकि जो भी ऑयल है वो स्कैल्प में, रूट्स में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और मुझे बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। इसको मैं 20 to 30 मिनट्स रहने दूँगी और उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आफ्टर वॉश आफ्टर हेयर ड्राई मेरे बालों में जो शाइन है आपको दिख रही होगी, ये इस तरीके से इतना, अभी ये पूरे ड्राई नहीं हुए इसलिए आपको प्रॉपर शाइन नहीं नजर आ रही, लेकिन ये जब पूरे ड्राई हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं। और ये ट्रीटमेंट अगर आप वीकली वंस ट्राई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है, आई गारंटी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही है। बहुत सारी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स में इस रेमेडी ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी हेयर प्रॉब्लम्स है उनको शेयर जरूर करना ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।